हूं निवेदिता। बिग बॉस का 13वां सीजन कई ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ जहां इस घर में एक के बाद एक कई वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले वीकेंड का वार पर एविक्शन ही नहीं हुआ, जिसके बाद अब शो से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। दरअसल इस बार घर में डबल एविक्शन होने वाला है। जी हाँ, इस हफ्ते घर में दो एविक्शन होंगे, यानी कि घर से दो कंटेस्टेंट्स अब बाहर हो जाएंगे। बता दें कि वोटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से अरहान खान को सबसे कम वोट मिल रहे हैं, वहीं अरहान खान के बाद मधुरिमा तुली वो कंटेस्टेंट हैं जिन्हें सबसे कम वोट मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड सिद्धार्थ शुक्ला को इस हफ्ते सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। वैसे अधिकतर देखा गया है कि जब भी बिग बॉस 13 के घर में कोई एविक्शन नहीं होता है तो मेकर्स अगले ही हफ्ते डबल एविक्शन करवा देते हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस हफ्ते अरहान खान के साथ साथ मधुरिमा तुली का भी पत्ता साफ हो जाए। बात की जाए अरहान खान की, तो वो पिछले हफ्ते भी बॉटम में थे। पिछले हफ्ते अरहान के साथ साथ विशाल आदित्य सिंह भी बॉटम में थे, लेकिन विशाल की जगह बॉटम टू में अब मधुरिमा आ गई है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही मास्टरमाइंड विकास गुप्ता भी घर से बेघर हो गए थे, क्योंकि वो देवोलीना भट्टाचार्य जी के प्रॉक्सी बनकर घर में आए थे, लेकिन देवोलीना को ठीक होने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए देवोलीना शो से बाहर हो गई और विकास गुप्ता को घर से जाना पड़ा। खैर, मेकर्स के डबल एविक्शन के फैसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिग बॉस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप इनसाइड न्यूज के साथ बने रहिए।